guys. हाँ, लोकेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया है. फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो. यस, व्हेन यू आर लिविंग इन कोलकाता, स्पेशली व्हेन यू आर एन यूट्यूबर एंड देन यू आर नॉट मेकिंग अ कोलकाता स्ट्रीट शॉपिंग हॉल, दिस इज रियली अनफेयर. सो आई थॉट कि हाँ, एक वीडियो होनी चाहिए. ये मैं लास्ट ईयर से, मतलब जब से मैंने यूट्यूब रन करना स्टार्ट किया तभी से सोची थी, बट मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब कोई ना कोई चीज़ से डिले हो ही रहा था. सो फाइनली आई थॉट कि नहीं, ये वीडियो मतलब छोटा सा वीडियो ही है बट बना देते हैं. जब आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स आपको मतलब दिमाग पे रखना है, विच इज़ फर्स्ट वन, अभी तो आप जा रहे हो तो सेफली जाओ फर्स्टली, एंड देन आपको प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में पता है कि यू नो कि हाँ इसका क्वालिटी अच्छा है. थर्डली क्या होता है कि कभी कभी स्टेन्स वगैरह होता है, वो आपको चेक करना है, बटन वगैरह चेक करना है, वो सब आप चेक कर लो. एंड लास्टली आपको अच्छे से बार्गेन करने आता हो. बार्गेनिंग इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट. बट दिस ईयर हाँ, आप ज़्यादा बार्गेन मत करना, क्योंकि उनके भी अभी ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है. क्योंकि एक दो शॉप्स है जो मुझे जानते हैं, मतलब मैं जब भी जाती हूँ कि वहाँ पे जाके देख लेती हूँ, सो वो लोग कह रहे थे कि हाँ उनका उतना सेल नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बार्गेन मत करना, क्योंकि वो जो प्राइस बोलेंगे वो अफोर्डेबल ही बोलेंगे. और दैट्स ऑल, यही टिप्स मैं शेयर करूँगी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, वेर एवर यू आर शॉपिंग. नाउ, वीडियो पे जाने से पहले बहुत बात हो गई है, बहुत टिप्स मैं दे चुकी हूँ. वीडियो पे जाने से पहले, इफ यू आर न्यू हियर, दिस इज मेघा. आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी शोइंग फ्यू स्टफ्स जो मुझे गड़ियाहाट, मतलब गड़िया हाथ से मिला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रीट शॉपिंग. यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं वहाँ पे रखी हुई हूँ. एंड सो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर ये सब करना अलाउड है, बट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. अगर वो भी आपको अभी नहीं करना है, वीडियो देखने के बाद करना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई अकाउंट इज वॉग इन वैन. ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस टॉप आई गॉट फ्रॉम देयर, जहाँ आप देख सकते हो, दिस वन इज अ पेपलम टॉप. तो दिस इज अ स्वेटर काइंड ऑफ पेपलम टॉप, एंड इसका जो शेप है वो प्रॉपर पूरा एकदम बॉडी हगिंग है, बहुत अच्छे से आता है. वही मैं कह रही हूँ कि आपको साइज वगैरह का भी पता होना चाहिए. अगर आप यहाँ पे रहते हो, आप जाके एक्सचेंज करवा सकते हो, बट स्टिल अभी तो जाना मतलब मुश्किल है, तो आराम से साइज वगैरह देख के ही लेना. मतलब मुझे पता होता है कि ये साइज मुझे आ जाएगा, या फिर कौन से प्रोडक्ट का ओवर साइज अच्छा होता है. जैसे इस टॉप में ओवर साइज अच्छा नहीं लगेगा. गड़ियाहाट, न्यू मार्केट, बाकी के नेम्स मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है, बट यही दो है जहाँ का मतलब आप नाम सुनोगे, और जहाँ पे ह्यूज प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम क्लोथिंग टू एक्सेसरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ जाने पे, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में. ओके, नेक्स्ट जो है दिस ब्लेजर, एज यू कैन सी वहाँ पे ब्लेजर्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाते हैं. मतलब आपको कोई कलर पे ब्लेजर चाहिए, स्पेशली जो टोन्स हम लोग को विंटर में चाहिए होता है, ब्राउन में, वाइट में, ब्लैक में, ब्लू में, वो बहुत सारे टोन्स पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लेजर्स मिल जाएंगे. हालांकि इफ़ यू नो मी, आई एम अ सकर फॉर ब्लेजर्स, सो ब्लेजर्स मैं ब्रांडेड ही पहनती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी सारे कलर के हैं. ये मुझे ऐसे ही पसंद आया था, काफ़ी अच्छा, मतलब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ब्लेजर ही है. जब पहनोगे वहाँ के ब्लेजर्स, में एक दो फ्रेंड मेरी ली है, वो अच्छा ही दिखता है उनपे. प्राइसेस क्या होता है कि हार्डली आप 400 दोगे, वो मैं सजेस्ट करूंगी. अगर आप बार्गेन अच्छे से कर पाओगे 300 से 400 के अंदर, जो जनरल मतलब ये छोटा वाला जो होता है वो आपको मिल जाता है, एंड बड़े वाले के लिए आपको मतलब 700-800 तक जाना पड़ता है, बट कभी कभी वो भी नहीं लगता, मतलब आप लेट से जाओगे तो वो लोग दे देंगे. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. अगर आपने मेरा विंटर हॉल, मतलब विंटर एसेंशियल्स का एक मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है, आई विल मेंशन द लिंक, गो चेक इट आउट. सो उस पर मैंने मेंशन किया है, टर्टल नेक्स आर बैक इन ट्रेंड, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर ऑल्सो. सो टर्टल नेक आप बहुत मतलब बहुत वर्सटाइल है, बहुत सारे वेज में उसको स्टाइल कर सकते हो. तो ये वाला टर्टल नेक मुझे चाहिए था, इसका कलर मतलब ब्लू जो है वो बहुत ही प्यारा है, एंड बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है. मेरे पास ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन में था, सो मुझे ये एक चाहिए था. सो आई थॉट कि यहीं पे आया है, यहीं से ले लेता है,
दिस रेड वन जो मैं मतलब विंटर में कभी कभी अच्छा लगता है, क्रिसमस वगैरह आ रहा है तो क्रिसमस पे आप पहन सकते हो। मतलब रेड टर्टल नेक भी बहुत ही वर्सेटाइल होता है कि आप बहुत सारी वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो, डेनिम के साथ, स्कर्ट्स के साथ, और फिर जो ड्रेसेस आते हैं थाई हाई बूट्स के साथ, ये सारी स्टाइलिंग टिप्स हैं जो आप आराम से ले सकते हो, फ्री में ले सकते हो। सो दिस वन इज अगेन अ रियली गुड वन, एंड इसका भी जो मटेरियल है वो बहुत ही वार्म रखता है एंड बहुत ही मतलब टर्टल नेक आपको मतलब ठंड से बचना है तो a really good option. Okay, coming to the next product, this one is a sweater dress जिसका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे मतलब जो सेक्विन काइंड ऑफ डिज़ाइन बने हुए हैं जो बहुत ही परफेक्ट है, लाइक 25th के लिए आप बाहर जा रहे हो, इस साल का पता नहीं, मतलब फर्स्ट के लिए, या फिर आप जनरली कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हो, दिस इज रियली गुड वन। दिस इज स्वेटर ड्रेस, आप आराम से इसको एक बेल्ट के साथ स्टाइल करो, मैं तो परफेक्ट बोलूँगी। वहाँ पर स्वेटर ड्रेसेस बहुत मिलते हैं। मटेरियल जो है मैं पहले ही जाके मटेरियल चेक कर लेती हूँ कि मटेरियल कैसा है एंड उस पर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, मतलब कोई स्टेन वगैरह है कि नहीं। या दिस इज अगेन अ रियली गुड वन। इसका प्राइस भी मुझे ये मिला था अराउंड 350, मतलब 400 के अंदर ही। मतलब मैं उन लोगों को जानती हूँ तो उनके साथ मुझे इतना लड़ना नहीं पड़ता है, सो दैट्स द थिंग। एंड आपको कभी कभी 200 में भी मिल जाएगा। ये भी मैंने ले लिया, मैं सोची कि जो टर्टल नेक स्वेटर्स मैंने लिया है तो उसके साथ मैं स्टाइल करूंगी। आई गॉट दिस वन इन ब्लैक क्योंकि ये सारे टर्टल नेक्स के साथ चला जाएगा, एंड आई गॉट माई थाई हाई बूट्स, मतलब बूट्स के साथ अच्छा लगेगा। इट्स अ रियली गुड वन, एंड इसका भी जो मटेरियल आप देख सकते हो मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, स्टेन वगैरह है कि नहीं। ब्लैक में तो स्टिल पता नहीं चलता है। और क्या होता है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना दिख रहा है जो आप पहन के बाहर नहीं जा सकते, वो आपको चेक करना है कि वो कपड़ा कैसा है, वो मटेरियल कैसा है। कि बहुत पुराना दिखेगा तो फिर आप उसको पहन के बाहर नहीं जा पाओगे, आपको घर में पहनना पड़ेगा। मुझे शायद 200 में मिल गया था, तो इसके साथ आराम से आपके पास जो टर्टल नेक्स होंगे उसके साथ स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ पैर में भी वो लोग बेचते हैं, अनदर 50-60 रुपीस दे दोगे तो आपको पूरा सेट ही दे देंगे वो लोग, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड आप आराम से स्टाइल कर सकते हो, आराम से बाहर पहन के जा सकते हो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सही में अच्छा होता है, जो मतलब बॉडी में जो फिट होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। अगेन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वहाँ से लिया है। एंड आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि आप कहाँ से लिए हो दैट डजंट मैटर, आप अच्छे से उसको कैरी कर रहे हो, आप अच्छे से उसको स्टाइल कर रहे हो, आप पहनो मतलब पहन कैसे रहे हो दैट रियली मैटर्स। सो जब आप पहन रहे हो वेयर इट विथ कॉन्फिडेंस, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस, मतलब इट्स ओके। हम लोगों के पास इतने कपड़े होते हैं, अब हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल कि ब्रांडेड ही ले, सो फॉर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई नेवर जज पीपल। ओके लास्टली, जैसे कि मैंने कहा मैंने बहुत सारा कुछ नहीं ले लिया है, मतलब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत कुछ लोगे फिर बाद में नहीं पहनोगे, वो अच्छा नहीं होता है। जो आपको चाहिए वही लो। जैसे कि मेरे पास लॉन्ग जैकेट्स है लेकिन वाइट्स में नहीं था, सो आई थॉट कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी मेंशन किया था कि मैं वहीं से ली हूँ ये वाइट वाला। आप वो वीडियो अगर नहीं चेक किए हो तो वो चेक करना, मैं मेंशन कर दूंगी। सो दिस लॉन्ग जैकेट जिसे आप ट्रेंच कोट कहते हो, ट्रेंच कोट्स उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड बहुत सारे कलर्स पे अवेलेबल है, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आप मतलब वहीं पे आप ट्राई भी कर सकते हो, ट्रेंच कोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन वही है कि आजकल सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, सैनिटाइजेशन की वजह से आप वहाँ पे मतलब नहीं पहनो, वही मैं सजेस्ट करूंगी। आप अपना साइज गेस करना एंड उसके हिसाब से लेना, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको जाना पड़ेगा। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही क्लासी एंड शीक दिखता है। लोगों को पता भी नहीं है, मैं यहाँ बता रही हूँ इसलिए लोगों को पता चलेगा, बट अदरवाइज लोग सोच भी नहीं पाएंगे। इसको आराम से आप मतलब स्टाइल करो, आराम से बाहर पहन के जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। ट्रेंच कोट्स के लिए क्योंकि आप अच्छे ब्रांड के लेने जाओगे, मैं उस वीडियो पे भी बोली थी, मतलब 7,000-5,000 से अबव भी देना पड़ता है। सो आई सजेस्ट कि आप वहीं से ले लो, वहाँ पे बहुत सारे कलर्स पे भी है अगर आपको बहुत सारे भी चाहिए। और क्या क्या होता है कि कुछ मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं जो अच्छा लगता है ब्रांडेड, वो मैं रखी हूँ, मैं भी रखी हूँ, उस पर इन्वेस्ट करना इज ओके। एंड इसका जो प्राइस उन्होंने बताया था 1,000 के आसपास, बट आप
मतलब शॉक हो जाओगे कि मैंने कितना बार्गेन किया है। मैं 400 बोल रही थी बट लास्टली उन्होंने 500 में दे दिया है क्योंकि मेरी बहन को भी लेना था एंड उन्होंने 500 में राजी हो गया एंड आई थॉट कि इट्स ओके 500 देना बनता है एंड उन्होंने कहा कि अभी सेल वगैरह भी नहीं चल रहा है सो 500 इज ओके फॉर दिस वन। मतलब अच्छा भी दिखता है, आप आराम से स्टाइल भी कर सकते हो और एक बार ले रहे हो दैट्स वॉट आई ऑलवेज टॉक कि विंटर इज ऑल अबाउट आपको अपना वार्डरोब बिल्ड करना है जो सालों तक चले। मतलब जो स्टेपल्स हो आपके पास आप बहुत सारे वेज में उसको स्टाइल करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लोगे फिर उसको रखने में भी प्रॉब्लम, फिर मतलब एक दो साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा तब आपको पहनने का मन नहीं करेगा। सो आप वो प्रोडक्ट्स लो जो आपके वार्डरोब स्टेपल्स हो, जो बेसिक हो, जो वर्सेटाइल हो, बहुत सारे वेज में उसको स्टाइल कर सको। सो दैट्स इट, यही मैंने लिया है, बहुत कुछ नहीं लिया है एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे एंड आई रियली होप कि आपको पता चल गई कोलकाता पे भी स्ट्रीट शॉप्स है जहाँ पे अच्छे सामान मिलते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपको मतलब मैं और मेरी बहन क्या होती हूँ कि हम लोग जहाँ जाते हैं मतलब वो मॉल्स हो या फिर शॉप्स हो, मतलब जो हम लोगों को चाहिए होता है उसी पर नज़र सबसे पहले जाता है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो आपका नज़र थोड़ा सा वैसा होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू लुक गुड ऑन मी एंड दिस प्रोडक्ट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड वन। आपको आराम से वो चेक कर लेना है एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दैट बेल बटन सो दैट व्हेनेवर न्यू वीडियो कम्स यू गेट द नोटिफिकेशन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स वॉगिन वैन गाइज एंड मैं वहाँ पर रेगुलर कॉन्टेंट डाल रही हूँ सो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो एंड मेरे साथ बात भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और सजेशन हो, डू डीएम मी। अगर यहाँ पे नहीं होता है डीएम पे मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर कमेंट्स। सो या थैंक यू सो मच, आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय गाइज।